तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी आलू गोभी की सब्जी एकदम रेडी है। तो मैं इसको बिल्कुल आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए एकदम हलवाई स्टाइल गोभी और आलू की सब्जी बनके रेडी है। ये हमारी हरी मिर्च और इंजन। वेलकम बैक माई ब्यूटीफुल व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल आर वेल। तो आज देखिए हम क्या बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे एकदम हलवाई स्टाइल में आलू गोभी की सब्जी, जो आप शादियों में खाते हैं। सेम आप सोचते हैं कैसे बनती है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनती है। इसके लिए हमें चाहिए आलू, हरी मिर्च, अदरक, गोभी, टमाटर और प्याज। गोभी मैंने 1 किलो ली है, और आलू आप कम ज़्यादा जैसे भी आपके घर में खाते हैं, कम खाते हैं तो आप कम कर सकते हो, ज़्यादा खाते हैं तो एक दो आप एक्स्ट्रा और उसमें डाल सकते हो। तो इनको मैं काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसको गोभी को मैंने ऐसे कट कर लिया है। आप ऐसे कट करें, ज़्यादा छोटा ज़्यादा पतला इसको ना काटें, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है तो ये पूरी घुल जाएगी। कोई छोटा पीसीस होता है तो आप उसको कट ना करें, उसको ऐसे ही डाल दें। और इसको मैंने 3 से 4 पानी में बहुत अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। लेकिन ऑफ सीज़न सब्जी होती है, जैसे गोभी होती है, कीड़ों का डाउट ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए मैं इसको पानी में थोड़ा हल्का गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गर्म करके इसको सिर्फ पाँच मिनट के लिए भिगो के रखूँगी, उसके बाद मैं निकाल दूँगी। और इधर मैंने ये आलू कट किए हैं, ये देखिए। आलू ज़्यादा पतले नहीं करने हैं, क्योंकि इनको भी हम फ्राई करेंगे। इस शेप के आपने आलू रखने हैं, और शेप आप कोई भी दे सकते हैं, आप स्क्वायर दे सकते हैं, आप ये वर्टिकल दे सकते हैं, आप जैसे मर्जी आप शेप दे सकते हैं आलू को। तो अभी हम इसको पानी में भिगो के रखते हैं और फिर हम इसको फ्राई करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस लेवल तक का पानी हमें चाहिए, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए। अभी हो गया, इसमें बबल हो गए हैं, तो ये पानी हमें सिर्फ ऐसा ही चाहिए। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि हमारी गोभी एकदम क्लीन हो, कोई डाउट का काम ना रहे, एकदम साफ हो जाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे, उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इस छन्नी में निकाल लिया है गोभी को गर्म पानी में से, तो अभी एकदम साफ हो गई है। अभी हम ये कढ़ाई रखते हैं इसको फ्राई करने के लिए, ताकि हमारा तेल गर्म हो जाए। देखिए व्यूअर्स, हमने कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। इसे हम अपनी गोभी और आलू को फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने इसको गोभी को इसमें डाल दिया है, और हम इसको थोड़ा सा जब तक ये कलर चेंज ना कर दे तब तक इसको फ्राई करेंगे, कि अच्छे से थोड़ा अपना रंग बदल दे। अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है, अलग अलग गोभी को करेंगे, उसके बाद हम अपने आलू फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कितनी देर तक और किस कलर तक होने तक पकाना है। ये देखिए भी बस, गोभी ने हमने कलर चेंज कर दिया है, अब ये डन है ऑलमोस्ट। ऐसे ही करके हम सारी गोभी कर लेंगे, और अब इसके बाद हम आलू भी फ्राई करते हैं, और आलू भी हमने थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये हमारे आलू हो गए हैं, इतना सिर्फ थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें इनको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है बिल्कुल भी। और ये जितना भी काम हमने किया है हाई फ्लेम पे किया है, लो पे नहीं किया है। और कढ़ाई हमेशा आप मोटे तले की ले, पतले तले की बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो अंदर से नहीं पकती, अंदर से कच्ची रह जाती है और बाहर से सड़ जाती है सारी सब्ज़ी। तो अब हम ये सारे आलू ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे ये आलू और गोभी हमने फ्राई कर लिए, अब हम तड़का तैयार करते हैं, चलो देखते हैं। देखिए, ये जो इस कढ़ाई में हमने फ्राई किया था, तेल हमने निकाल लिया, और जितनी हमें ज़रूरत थी तड़के के लिए उतना हमने रख लिया। तेल तड़के के टाइम थोड़ा ही ले, क्योंकि फ्राई वाले आलू गोभी में तेल बहुत कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। और जो 2-3 मिर्च हरी मिर्च हमने ली थी, वो भी हम थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करते हैं, निकाल लेंगे, बस हल्की भी करनी है हमने, ज़्यादा नहीं करनी है, इनको हम निकाल लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें जीरा 1 टेबल स्पून, और जो हमने एक पीच अदरक लिया था उसको छोटा छोटा हमने लंबा काट
काट लिए। बच्चे अदरक नहीं खाते हैं, लेकिन देखो बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी है, तो बच्चे जो चीज़ नहीं खाते उसको आप मसाले के साथ ग्राइंड कर दें ताकि बच्चे खाएं। आप टमाटर प्याज का जो मसाला बनाएंगे तो टमाटर के साथ आप इसको पीस सकते हैं। और ये हमने प्याज को चॉप कर लिया, जो तो हमारे पास प्याज से इसको हम डालेंगे। अब इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया प्याज। इस स्टेज पे हमें इतना ही करना है, इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अपना ये जो चार टमाटर को हमें पीस कर, ज़्यादा भी बारीक नहीं करना, इतना पीस कर टमाटर के साथ। जब आप टमाटर डालें तो ही आप सारे मसाले डालें। इसमें मैं एक टीस्पून और डालूंगी देगी मिर्च, एक टेबलस्पून ऑफ हल्दी, एक टेबलस्पून धनिया, एक टेबलस्पून लाल मिर्च, एक दो टेबलस्पून मैंने लिया है नमक। नमक आप जैसे भी आप खाते हैं वैसा डाल लें, टेस्ट करके भी डाल सकते हैं बाद में कम ज़्यादा जो भी हो। टमाटर अपना पूरा मसाला छोड़ देंगे, मसाला हमारा टमाटर के साथ अच्छे से भुन जाएगा। अच्छे से भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। जब ये तेल छोड़ेगा तो हम इसे अपनी सब्जी ऐड करेंगे। गर्म मसाला हम बाद में डालेंगे लास्ट में, हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। व्यूअर्स मैं आपके लिए छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, लेकिन अगर मैं इससे भी छोटी बनाऊँगी तो मैं सारी रेसिपी आपको प्रॉपर तरीके नहीं समझा पाऊँगी, इसमें से कुछ छूट जाएगा या फिर आपको समझ नहीं आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, ज़्यादा टाइम आपका नहीं देती हूँ, लेकिन आप जैसा मैं बनाती हूँ सेम उसी तरीके से बनाएँ, बना के देखें। अगर अच्छी लगे तो भी मेरे को बताएं, और अगर अच्छी ना लगे तो भी बताएं क्यों नहीं लगी अच्छी, लेकिन मेरे को श्योर हूँ 100% कि आपको स्वाद लगेगी ही लगेगी। मैं हर रेसिपी को इजी वे में आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे हम इसको अच्छे से भूनेंगे। रेसिपीज आपको मेरी अच्छी लगे किसी भी चीज़ की, आप रेसिपी चाहते हैं तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। गोभी को हम बिना प्याज के भी बना सकते हैं, बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगती है, उसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। आज मैंने आपको बताई है डबल फ्राई, और इसको बनाएं ज़रूर ज़रूर, आप इसको ट्राई करें, मेरे को पता है कि आपको बहुत बहुत पसंद आने वाली है। हमारा तेल छोड़ गया, ये देखिए ऐसे करके, बस इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता भूनने में। प्याज हमारे भुने हुए हैं, थोड़े टाइम में टमाटर हो जाते हैं, और अभी ये हमारी सब्जी के साथ ही भुने हैं। एक मिनट, सिर्फ एक से दो मिनट इसमें लगती है भूनने में, डन है। उसके बाद इसको हम भूनने देंगे, इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं कि अब 5 मिनट हो गए, तो हम अपनी सब्जी को ओपन करके देख लेते हैं।
ब्यूटीफुल कलर। और सारा काम हमने हाई फ्लेम पे किया है, सिर्फ जब हमने इसको ढक के रखा है तो हमने 5 मिनट स्लो पे रखा है। अगर आपको लगे, वैसे तो इसमें नीड होती नहीं है क्योंकि ये फ्राई होती है, अगर इसमें आपको ज़रूरत लगे कि थोड़ा कच्चापन है तो आप इसमें सिर्फ दो इतना सा पानी डाल के फिर आप इसको ढक के रख दें स्लो पे ही, तो ये आपको एकदम परफेक्ट मिलेगी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, देखिए इजली हमारे यहाँ तो टूट रहे हैं। और देखिए हम अपनी गोभी भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए गोभी भी हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला जो हमारा रह गया था, हम डाल देंगे 1 टीस्पून मैंने डाला है। और इसमें मैं थोड़ा डालूंगी हरा धनिया अभी, और थोड़ा हरा धनिया हम डालेंगे बाद में ताकि अच्छे से मिल जाए, क्योंकि हरे धनिया का अपना ही एक स्वाद होता है, एक टेस्ट होता है, एक बहुत अच्छी खुशबू देता है और सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है। तो हम थोड़ा भी डालेंगे, थोड़ा हम बाद में डालेंगे। निकाल देती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी आलू गोभी की सब्जी एकदम रेडी है। तो मैं इसको बिल्कुल आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए एकदम हलवाई स्टाइल गोभी और आलू की सब्जी बनके रेडी है। ये हमारी हरी मिर्च, और इन्जॉय करें, खाए और बनाए, और अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ मुझे मेरे साथ शेयर ज़रूर करें और बताए। और मैं पूरी श्योर हूँ कि आपको ये बहुत बहुत पसंद आने वाली है। आप मेहमानों के लिए बनाएं, आप किसी पार्टी के लिए बनाएं, कुछ भी, आप किसी भी फंक्शन पे मौके पे इसको बना सकते हो। आई एम श्योर कि ये सबको बहुत पसंद आएगी और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।